तो सुपर ओव्यूलेशन किसमें किया जा रहा है? जिस एनिमल्स में, ह्यूमन को अगर अलग छोड़ दें तो, ह्यूमन में किस लिए किया जा रहा था? क्योंकि फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है, इसलिए किया जा रहा है। और जिसमें नेचुरल ओव्यूलेशन हो रहा है फिर भी कंसीव नहीं कर पा रही है, इसलिए किया जा रहा है। और इन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि हमारा जो डिजायर्ड ट्रेट, डिजायर्ड करेक्टर जो है, जिसके लिए वो उसका डोमेस्टिकेशन किया गया एनिमल का, उस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में दैट डिजायर्ड ट्रेट और करेक्टर इज सीन इन ए डोमिनेंट वे फैशन, तो इसलिए उसकी हमको ज्यादा जरूरत है, इसलिए उनका किया गया सुपर ओव्यूलेशन। और उसके द्वारा ऑब्टेंड जो इम्ब्रियोज जो है उसको हम ट्रांसफर कर दिए इन मल्टीपल सरोगेट मदर्स। ए क्लोज सिंक्रोनी ऑफ स्ट्रेस बिटवीन द डोनर एंड द रेसिपिएंट इज क्रूशियल फॉर ऑब्टेनिंग ऑप्टिमल प्रेगनेंसी रेट्स एंड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटायर एम्ब्रियो ट्रांसफर प्लानिंग प्रोसेस। कहने का मतलब हुआ, ये डोनर है और ये रेसिपिएंट्स है, ये डोनर और रेसिपिएंट, और इन डोनर और रेसिपिएंट्स के बीच में हमने सिंक्रोनाइज, जो सिंक्रोनाइज है उन्हीं को चूज किया गया एज ए रेसिपिएंट। यानी डोनर के जिस स्टेज, डोनर स्ट्रेस साइकिल के जिस स्टेज पर है उसी स्टेज पर रेसिपिएंट भी ओके उनको सेलेक्ट किया गया। ठीक, एंड दिस इज द क्रूशियल। अगर मान लो ये हीट पीरियड में है, स्ट्रेस साइकिल में है, एंड द रेसिपिएंट्स आर नॉट इन द स्ट्रेस साइकिल, दे आर इन द रेस्टिंग स्टेज, देन एम्ब्रियो ट्रांसफर विल नॉट बी सक्सेसफुल। ठीक, इसीलिए ये बहुत ही क्रूशियल है, यहाँ लिखा हुआ है दैट रेसिप सिंक्रोनी ऑफ स्ट्रेस बिटवीन द डोनर एंड द रेसिपिएंट इज क्रूशियल फॉर ऑब्टेनिंग ऑप्टिमल प्रेगनेंसी रेट्स एंड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटायर एम्ब्रियो ट्रांसफर प्लानिंग प्रोसेस। सो दिस इज वेरी क्रूशियल। अगर ये नहीं होगा तो एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसीजर विल फेल। अब आइए, सुपर ओव्यूलेशन कंसिस्ट ऑफ हार्मोनल ट्रीटमेंट टू प्रमोट रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ सेवरल फॉलिकल्स टू द प्री ओव्यूलेशन स्टेज। ठीक है, बता चुके हैं सुपर ओव्यूलेशन में या तो पहले तो माइल्ड फॉर्म से ट्राई किया गया ड्रग के द्वारा, उसके बाद नाउ एडेज हार्मोनल ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें LH और FSH एडमिनिस्टर किया गया इन कॉम्बिनेशन, और वो उसके द्वारा, हार्मोनल ट्रीटमेंट के द्वारा बहुत सारे फॉलिकल्स जो है रिक्रूट होंगे फॉर द डेवलपमेंट टू द प्री ओव्यूलेशन स्टेज, मोर देन वन फॉलिकल्स, मोर देन वन फॉलिकल जो है प्री ओव्यूलेशन स्टेज तक चले जाएंगे। गोल क्या है? द गोल इज टू एलिमिनेट एनी डोमिनेंट फॉलिकल एंड इम्प्रूव द नंबर ऑफ ओव्यूलेशंस इन ए साइकिल। ठीक है, कोई एक ही फॉलिकल डोमिनेंट नहीं हो इसमें, अगर एक फॉलिकल डोमिनेंट होगा तो रेस्ट ऑफ द फॉलिकल्स दे विल डाई ऑफ, तो मोर देन वन फॉलिकल शुड बी डोमिनेंट, तब क्या होगा? सुपर ओव्यूलेशन होगा। आ रहा है समझ में? अगर एक फॉलिकल डोमिनेंट ही रह गया तो एक ही ओव्यूलेशन होगा। आ रहा समझ में? यस सर। अब क्या किया गया? सुपर ओव्यूलेशन इज अचीव्ड बाय एलिमिनेटिंग द इनहिबिटरी मैकेनिज्म ऑफ द डोमिनेंट फॉलिकल, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इनहिबिन, और बाय प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ ए सबऑर्डिनेट फॉलिकल यूजिंग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग गोनेडोट्रोपिन्स। अब देखिए इसका फिजियोलॉजी क्या होता है, डोमिनेंट फॉलिकल जो है वो इनहिबिन प्रोड्यूस करता है,
मैंने बताया है डोमिनेंट फॉलिकल के ग्रेनुलोजा सेल्स इनविन प्रोड्यूस करते हैं, एक्टिविन भी प्रोड्यूस करता है, ठीक। जब डोमिनेंट हो जाता है तो इनविन प्रोड्यूस करता है, जिस इनविन से जो नियर बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं वह फिर उनका ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से एक फॉलिकल डोमिनेंट रह गया। क्यों एक फॉलिकल डोमिनेंट रहता है? क्योंकि वह फॉलिकल खुद ही इनहिबिन का सिक्रीशन करता है, जिससे जो कि एक्ट करता है अदर फॉलिकल्स टू इनहिबिट देयर ग्रोथ। तो अगर हम एंटीबॉडी अगेंस्ट द इनहिबिन अगर दे दें फीमेल्स को, तो इनहिबिन का एक्शन रुक जाएगा, इनहिबिन को ब्लॉक कर देगा एंटीबॉडी, और जिसकी वजह से एक से ज्यादा फॉलिकल जो है डोमिनेट कर जाएंगे। या दूसरा तरीका यह भी है कि एफएसएच से ट्रीट करो, डायरेक्ट एफएसएच से, क्योंकि इनहिबिन का एक्शन क्या होता है, वो एफएसएच को एक्चुअली एफएसएच को के एक्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो इनहिबिट एक तरीका है कि इनहिबिन को ब्लॉक कर दीजिए, दूसरा तरीका है कि एफएसएच की मात्रा बढ़ा दीजिए। अवेलेबल इनहिबिन जो है वो अब एफएसएच ज्यादा हो गया, तो इनहिबिन जो है कुछ एफएसएच को इनहिबिट करेगा और ज्यादातर एफएसएच जो है वो बच जाएंगे, उनका इनहिबिशन नहीं हो सकेगा और उसका एक्शन होगा, तो जिससे कि एक से ज्यादा फॉलिकल फिर क्या होंगे, डोमिनेट कर जाए। ओके, आ रही बात समझ में? तो अभी जो है सबसे मोस्ट इफेक्टिव कॉमर्शियली अवेलेबल ट्रीटमेंट जो है वो है आपका, ये एनिमल्स के केस में बता, एनिमल्स में, ये ह्यूमन में ट्राई नहीं होगा ये मेडिसिन का। इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ प्यूरिफाइड इक्वाइन पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, ये इस कंपनी द्वारा दिया जाता है, बायोनिशेज एनिमल हेल्थ बेलनविली ऑन्टेरियो कैनेडा, ये कंपनी है। इक्वाइन मतलब होता है हॉर्स, रिलेटेड टू हॉर्स, हॉर्स का प्यूरिफाइड पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट है। Is given in the injection form to the animals intradermally, subcutaneous injection इसका दे दिया गया, purified equine pituitary extract जो ये company supply करती है। नाम है दवा का EFSH, मतलब E stands for equine, equine मतलब E हो गया equine, मतलब ये हॉर्स का है ओरिजिन इसका। अगर H रहता, छोटा H रहता, तो हो जाता ह्यूमन इन ओरिजिन। आ रहा है समझ में? आगे चले, बस दो पॉइंट रह गए और दिस टॉपिक विल बी ओवर। डिस्कनेक्ट हो गया, वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। कौन? नेहा दी। अच्छा कोई नहीं, अपना लेक्चर रिकॉर्ड होगा, देख लेगी। सुपर ओव्यूलेशन एक रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, ये सब बता ही चुके हैं आपको क्या है सुपर ओव्यूलेशन, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन द डेयरी इंडस्ट्री टू इंक्रीज द रिप्रोडक्टिव रेट ऑफ सुपीरियर फीमेल्स, एंड सुपर ओव्यूलेशन इज अचीव्ड बाय यूजिंग follicle stimulating gonadotropins FSH and LH hormones to promote the development of subordinate follicles, ठीक है, जो भी follicles grow कर रहे हैं subordinate follicles उनके development को promote किया जाता है, and super ovulation with gonadotropin is an essential assisted reproductive technology। ओव्यूलेशन कैसे अचीव किया जा रहा है? दो रास्ते हमने बताए थे आपको, एक तो ओरल ड्रग क्लोमिफीन, जैसे कि क्लोमिफीन, या नहीं तो
इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन्स. तो सुपर ओव्यूलेशन विद गोनाडोट्रोपिन्स इज एन एसेंशियल असिस्टेड मतलब इसको हेल्प कर असिस्ट करने की जरूरत पड़ी फीमेल्स को. असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ ओसाइट्स. ये भी डिफिनेशन हो गया सुपर ओव्यूलेशन का. दैट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ ओसाइट्स टू अचीव हाई प्रेगनेंसी रेट्स. ओरल और इंजेक्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स टू फीमेल्स इज वाइडली यूज फॉर ट्रीटमेंट एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम एनिमल्स. पहले ट्राई किया जाएगा ओरल, बात बन गई तो ठीक, नहीं तो इंजेक्टेबल, क्योंकि ओरल जो है सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, साइड इफेक्ट इसका सबसे कम है ओरल का. लेकिन अगर इंजेक्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे देन क्या होगा. ह्यूमन के केस में हमने ऑब्जर्व किया है क्या क्या साइड इफेक्ट्स, मल्टीपल बर्थ्स. जानवरों के केस में भी मल्टीपल बर्थ्स होंगे. ओके, ह्यूमन के केस में मल्टीपल बर्थ्स, फिर OHSS, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, फिर ओवेरियन ट्विस्टिंग, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, लाइक दिस साइड इफेक्ट्स एज वी डिस्कस्ड में अकर. जब इंजेक्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स होगा तब. लेकिन इन सब साइड इफेक्ट से अगर ओरल पिल ले रहे हैं तो साइड इफेक्ट्स, ये सारे साइड इफेक्ट्स की संभावना बहुत ही कम हो जाती है. रेयर केस में हो सकता है ओरल लेने से भी हो सकते हैं, मल्टीपल बर्थ भी हो सकता है ओरल पिल लेने से. कितना लोग ये ओरल पिल्स लेते हैं. इंजेक्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स टू फीमेल्स इज वाइडली यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम एनिमल्स. बट न्यूमरस स्टडीज have strongly indicated that the super ovulation can lead to unhealthy oocyte maturation. अब ये सारे भी side effect जो हम लोग पहले discuss किए थे, तो माइक नहीं है, पूजा माइक म्यूट करो. तो क्या होगा, super ovulation can lead to अनहेल्दी ओसाइट मैच्योरेशन. ओसाइट अभी एक्चुअली उनको मैच्योर नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो मैच्योरेशन स्टेज तक पहुंच गया. तो क्या होगा, इम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है हैम्पर कर जाएगा. कैसे मानेंगे कि ओसाइट को मैच्योर नहीं होना चाहिए था फिर भी हो गया. मान लो कि ओसाइट में बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक चेंजेस हो रहे हैं, आपको बताया थे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ये सब बनता है, साइटोप्लाज्मिक चेंजेस हो रहे हैं. अब साइटोप्लाज्मिक चेंजेस और न्यूक्लियर चेंजेस जो है ओसाइट्स में जो हो जाने चाहिए थे वो कंप्लीट नहीं हुए, और ओसाइट का क्या हुआ, ओव्यूलेशन हो गया, क्योंकि पीछे से फोर्स लगा हुआ है गोनाडोट्रोपिन हॉर्मोन्स का. ओव्यूलेट कर गया तो अब क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हैम्पर कर जाएगा, इम्प्लांटेशन रेट अफेक्ट हो जाएगा, और इवन आफ्टर पोस्ट इम्प्लांटेशन ऑल्सो द लॉस कैन अकर, मिसकैरेज कैन हैपन. इसका एक बड़ा कारण है मिसकैरेज होने का, सपोज कि अगर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फॉर्म नहीं हुए तो पॉलीस्पर्मी भी हो सकता है. And as a result of polyspermy, trisomy, ये सब हो जाएंगे, यानी 3N हो गया, दो स्पर्म फ्यूज कर गए एक एक से. ठीक है, तो शुरू में कुछ सेल स्टेज तक ग्रोथ चला, उसके बाद वो क्या होगा, उसका ग्रोथ हैम्पर करके वो फिर अब इम्प्लांट हो गया, वो मिसकैरेज हो जाएगा. हेल्दी वो जायगोट से फिर आगे के डेवलपमेंटल स्टेज में प्रोसीड नहीं करेगा.
ओके समझ में आया इतना? हेलो यस ठीक है, चलो यहाँ लेक्चर समाप्त कर रहे हैं आज का। फिर मैं थोड़ा सा प्लान को चेंज करूंगा, फिर आपको अपडेट करूंगा, क्योंकि ये प्लान वर्क नहीं कर रहा है मेरे टाइम के हिसाब से।